कहते हैं कि हौसला उड़ान का सबसे मजबूत पहलू होता है। यदि आप में हौसला है तो आप उड़ान भी भर सकते हैं। लगातार बिहार की राजनीति में कई तरह की चर्चाएं हो रही थी। इस बीच में आपने देखा होगा कि चिराग पासवान को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि आखिर चिराग पासवान का होगा क्या। लेकिन चिराग पासवान इन सबसे अलग लगातार बिहार में और देश के अन्य राज्यों में दौरा करते रहे, यहाँ तक कि विदेश में भी गए और वहाँ भी जाकर के अपना छाप छोड़ा। अब चिराग पासवान को मनचाहा मुराद जो है वो मिल गया है। चाचा पशुपति कुमार पारस इधर बीच में बहुत सारी बातें कह रहे थे। शुरुआत दौर में उन्होंने कहा था कि चिराग ने कुछ गलतियां की थी, अगर वो हमसे माफ़ी मांग लें तो हम उन्हें वापस ले लेंगे। लेकिन अब उनका सीधे स्वर और बोली बदल गया है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो हमारा खून ही नहीं है। लेकिन चिराग पासवान इन सबसे अलग अब तक पशुपति कुमार पारस पर कोई हमला नहीं किए। वो न तो इस विषय पर कोई बात करना चाहते हैं, हालांकि उनके प्रवक्ता बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन चिराग पासवान खुद किसी भी तरह के विवादों में नहीं पड़ते हैं। लगातार हमने आपको बताया कि बिहार में भले ही चिराग पासवान का वोट बैंक मजबूत हो, फिर भी उनके पास एक भी सीट नहीं हो, अकेले सांसद हों, चाचा 5 सांसदों को के साथ अलग पार्टी बना लिए हों, लेकिन इन सब के बावजूद चिराग पासवान ने हार नहीं मानी और वो लगातार प्रयास करते रहे। एक तरफ जहां बिहार में उनकी पहुंच और उनकी पहचान रामविलास पासवान से बिल्कुल अलग बनती जा रही है, अपने दम पर उन्होंने कई रैलियां की और उन रैलियों को सफल भी कराया। उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं अनुभवी लोग हैं और इसका फ़ायदा उन्हें मिला। हाल फिलहाल में आपने देखा कि 3 राज्यों में चुनाव हुआ, नागालैंड में उन्होंने अपना परचम लहराया। उसके बाद से ऐसा कहा जा रहा था कि उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा और सिंबल परमानेंटली मिल जाएगा। अब इधर चाचा तैयारी ही करते रह गए, उधर भतीजा ने बाजी मार ली। चुनाव आयोग से जो निर्देश आए हैं उस निर्देश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश व मेघालय में होने वाले उपचुनाव में भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को हेलीकॉप्टर छाप चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। इसका सीधा मतलब है कि वो धीरे धीरे इस देश के अलग अलग राज्यों में भी अपना पैर पसार रहे हैं, जबकि बिहार में ही कई दल मारामारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2 जगहों पर चुनाव होना है, पंजाब में 1 जगह पर होना है, उसके बाद उड़ीसा में 1 जगह पर चुनाव होना है, इसके अलावा मेघालय में चुनाव होना है, और इन सारे जगहों पे कहीं ना कहीं अब चिराग पासवान को ये चुनाव आयोग से इजाज़त मिल गई है कि वो अपने सिंबल हेलीकॉप्टर छाप पर चुनाव लड़ सकते हैं। एक बेहतर अवसर चिराग पासवान के पास है और चिराग पासवान के वोट बैंक का भी काफ़ी कुछ असर है। देखना दिलचस्प होगा कि रामविलास पासवान की बनाई हुई ज़मीन पर पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान में से कौन आगे निकलता है और उनके जो लेगेसी है उसको संभाल के रखता है और आगे बढ़ाता है। पशुपति कुमार पारस लगातार अपने कहा जा रहा है कि पार्टी और अपने लोगों के बीच में उलझे हुए हैं, वहीं चिराग पासवान को अकेले होने के कारण बड़ा मौका मिला और उस मौके का उन्होंने पूरी तरह से फ़ायदा उठाया। अब चुनाव आयोग से आए इस आदेश के बाद जहां एक तरफ मीटिंग सीटिंग में ही फंसे रह गए चाचा, इस बात में फंसे रह गए कि चिराग पासवान को कैसे घेरा जाए, उन्हें कैसे कमतर आंका जाए और अपना ग्राफ बढ़ाया जाए, लेकिन वास्तविकता यही है कि चिराग पासवान ने अपनी ज़मीन के साथ साथ अपने पिता की विरासत को भी बचाने का पूरा जो मेहनत किया है वो दिखने लगा है। चुनाव आयोग के इस आदेश के बाद से काफ़ी खुशी नज़र आ रही है चिराग पासवान की पार्टी में। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।